हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। ये जो मेथड है ये 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इजी वे में हम लोग तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए पहले हम तुलनात्मक विधि से समीकरण को सॉल्व करते हैं। तुलनात्मक विधि को इंग्लिश में हम लोग कंपैरिजन मेथड बोलते हैं और प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो चलिए इसको तुलनात्मक विधि से सॉल्व करते हैं। हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा और ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। देखिए, इसे मतलब इसी से पूरा आपका साफ हो रहा है। तुलनात्मक विधि यानी तुलना करना, हमको कंपैरिजन करना है इन जो वेरिएबल दिया हुआ है, इन दोनों वेरिएबल को आपस में रख करके। तो अगर हम एक्स को लेते हैं पहले समीकरण में, तो आपको एक्स से ही इसका तुलना करना है, ठीक। अगर हम वाई को लेते हैं पहले इक्वेशन वाले में, तो आपको दूसरे इक्वेशन में भी वाई को ही लेना है, यानी इन दोनों को ही तुलना करना है। अगर इसको लेते हैं तो एक्स एक्स वाले को ही तुलना करना होता है। तो चलिए हम एक्स वाले टर्म को ही तुलना करते हैं पहले वाले से और दूसरे वाले से। तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे जैसे हम बिल्कुल बना रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको बनाना है, जिससे कि आपको में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। चलिए समीकरण एक से, समीकरण एक को फिलहाल हम ले रहे हैं। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 19 है। तो 2x इक्वल टू 19, 3y को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है। देखिए अब यहाँ पे x को मतलब x का फिलहाल इसमें हमें वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 माइनस 3y, अब बटे में ये जो गुना में है इधर बराबर का हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा फिलहाल जो है समीकरण एक से x का जो वैल्यू आया वो क्या आया है, x इक्वल टू 19 माइनस 3y बटे में 2। चलिए अब समीकरण दो से लेते हैं, समीकरण दो से यहाँ लिख देते हैं, समीकरण दो से, समीकरण दो है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 26। इसमें भी हमें x का वैल्यू निकालना है फिलहाल कंपैरिजन करने के लिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 3x इक्वल टू 26, 4y को उधर भेज देंगे प्लस में है, तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 26 माइनस 4y, अब बटे में यहाँ पे देखिए 3 गुना में है, बराबर को उधर भेज देंगे तो बटे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो इसमें भी हमारा जो है x का वैल्यू यहाँ पे निकल के आया 26 माइनस 4y बटे में 3, और ऊपर में भी x इक्वल टू 19 माइनस 3y बटे में 2 है। अब हमें इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करना होगा, यानी तुलना करना होगा, और इन्हीं दोनों को तुलना करके हमें इसमें y का वैल्यू पता करना है, ठीक। तो चलिए दोनों को आपस में तुलना करने का मतलब क्या है, दोनों को इक्वल साइड में रखेंगे, एक एक्स का दोनों को तुलना करने पर यहाँ पे लिख देते हैं, तुलना करने पर ये अगर इसको मान लेंगे आप, तो हमारा ये समीकरण 3 हो जाएगा और ये समीकरण 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 और 4 तुलना करने पर, तो 3 हमारा क्या है, 19 माइनस 3y बटे में 2 इक्वल टू 26 माइनस 4y बटे में 3 है। तो यहाँ पे दोनों को हम मतलब इक्वल कर दिए हैं, दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो इसमें इससे गुना करेंगे, इस पूरी संख्या में 3 से गुना होगा, तो 3 इक्वल टू 3 इंटू 19 माइनस 3y इधर हो जाएगा 2 इंटू 26 माइनस 4y। चलिए गुना कीजिए, 3 में 19 से करेंगे तो 19 57, माइनस है तो माइनस पर 3 में 3 से 3y से करेंगे 3 9y इक्वल टू 2 में 26 से करेंगे तो 26 2 52, माइनस है तो माइनस, 2 में 4y से करेंगे तो 4 2 8y। तो यहाँ पे जो नंबर है नंबर के साथ रखेंगे, जो वेरिएबल है जिसमें x या y वाला टर्म लगा हुआ उसको उसके साथ रखेंगे। तो यहाँ पे 57 और 52 है, तो इसको इसके साथ रखेंगे, तो 57 तो अपने जगह पर, इस 52 को हम इधर ला रहे हैं प्लस में है, तो इधर हो जाएगा बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में 52, और माइनस 8 तो इधर ही है, और ये माइनस 9 को उधर ले जा रहे हैं तो ये माइनस में, तो बराबर को जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 57 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और माइनस 8y जो है ये माइनस में है और प्लस 9y जो है प्लस में है, तो 9 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ y बचेगा। तो यहाँ पे फाइनली जो है हमारा वाई का वैल्यू कितना आ गया, तो y इक्वल टू आ गया हमारा 5, यानी एग्जैक्ट वैल्यू y का पता चल गया 5। तो इसी y की मदद से हम x का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो आप समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रख करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम इसी y का वैल्यू जो समीकरण 1 में रखते हैं और वहां से x का वैल्यू भी पता करते हैं।
तो ये हमारा समीकरण एक है, तो इसी में हम x का y का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू कितना है निकल करके, तो 5 आया, तो इसी 5 को हम समीकरण एक में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण एक में जिस तरीके से हम बना रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको बनाना है, और बस आपको समझते चलना है कि किस टाइप से ये बन रहा है। समीकरण एक में y का मान रखने पर, चलिए समीकरण एक में y का मान रखते हैं 2x + 3, y के जगह पर क्या रखेंगे तो 5 रखेंगे, तो गुने 5 = 9, 2x + 5 में 3 से करेंगे ना तो 15 = 19, चलिए आगे सॉल्व करते हैं 2x = 19, तो अपने जगह पर हम 15 को उधर भेज दें क्योंकि नंबर नंबर वाला है तो नंबर के साथ रखेंगे, तो 19 में 15 माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 19 में से 15 घटेगा तो 4 बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू में निकालने के लिए x को अकेला रखना होगा, तो 4 गुना में 2 है बराबर को हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा 2 × 4 ये कट जाएगा, तो यानी फाइनली जो है हमारा x = 2 और y = 5, तो यही हमें निकालना था तुलनात्मक विधि से सॉल्व करके x और y का वैल्यू, तो यहाँ पे फाइनली आ चुका है। तो इसी तरीके से हम तुलनात्मक विधि से समीकरण को सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा प्रतिस्थापन विधि है, तो इसी समीकरण को जो है हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उस विधि से सॉल्व करने पर हमारा x का वैल्यू y का वैल्यू सेम आता है कि नहीं। बिल्कुल वही सेम आएगा, लेकिन आपको प्रतिस्थापन विधि मेथड थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन आंसर तो बिल्कुल वही आएगा x और y का वैल्यू। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो वही समीकरण है 2x + 3y = 19 और 3x + 4y = 26, तो इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन यानी किसी भी जगह पे हमें उसका वैल्यू प्रतिस्थापित करना होता है यानी रखना होता है, ठीक। तो जैसे कि अगर हम समीकरण एक लेते हैं तो इसमें अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो समीकरण दो में हमें x के जगह पे इसका वैल्यू रखना होगा, प्रतिस्थापित करना होगा। अगर समीकरण एक में हम y का वैल्यू निकालते हैं x को छोड़ करके, तो y का वैल्यू हमें दो में रखना होगा, तो मतलब इस टाइप से करना होता है, ठीक। तो चलिए फिलहाल हम समीकरण एक को ही लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण एक से प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए x को x का निकाल रहे हैं, 2x = क्या हो जाएगा 19 और माइनस हो जाएगा 3y, क्योंकि प्लस में 3y बराबर को हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 - 3y बटे में 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना में था बराबर को हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू निकल के कितना आ गया, तो 19 - 3y / 2 आ गया। अब इसी x के वैल्यू को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, यही होता है प्रतिस्थापन। तो चलिए समीकरण 2 में हम x का मान जो है प्रतिस्थापित करते हैं, समीकरण 2 है हमारा यहाँ पे 3x + 4y = 26 है, इसमें हम x का मान यहाँ पे x के जगह पे रखेंगे, तो प्रतिस्थापित करते हैं, यही वैल्यू हमें ये x के जगह पे प्रतिस्थापित करना है, ठीक। तो 3 × 19 - 3y / 2 + 4y = 26, चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करके हम y का वैल्यू यहां से प्राप्त करेंगे। तो 3 में हम पूरे वाले ऊपर वाले में गुना कर देंगे, तो गुना कीजिए 3 × 19 = 19 × 3 = 57 - 3 × 3 = 3 × 9 y / 2 है तो 2 + 4y = 26, ठीक। फिर इसे आगे सॉल्व कीजिए, 2 का हम एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1, 2 का एलसीएम यहाँ पे 2 ही होगा, 2 में 2 = 2 तो 57 = 57 - 9 = 9, 2 में 4 से गुना हो जाएगा तो +4 × 8y, ठीक = 26। फिर इसको आगे सॉल्व कीजिए, मतलब इसको सॉल्व करना है फिलहाल, मतलब यही स्टेप यहीं तक था कि आपको समझना क्या कहाँ पे किस तरह का मान यहाँ पे प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ पे देखिए 57 - 9y + 8y, यानी 8 में से 9 घटेगा क्योंकि 8 छोटा है और माइनस में 9 है यहाँ पे ये, और ये प्लस में है, यहाँ पे बचेगा -y, और देखिए इस 2 को हम क्या करेंगे तो उधर भेज देंगे, तो गुना भागे में है बराबर को हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 26 × 2 यहाँ पे हो जाएगा 52, तो यहाँ पे देखिए -y = क्योंकि नंबर वाले को नंबर वाले के साथ रखेंगे तभी ना इस y का वैल्यू अकेला रहेगा तो निकल के आएगा, तो 52 तो अपने जगह पे है, प्लस में 57 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -57, तो यहाँ पे देखिए अब घटाइए -y = 52 में से 57 घटेगा तो कम में से ज्यादा घट रहा है तो माइनस में आएगा, तो -5 होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे y का जो वैल्यू आया कितना निकल के आया, तो एग्जैक्ट निकल के आया y = 5, तो हमारा जो है यहाँ पे y का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम
इसी y की मदद से हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण एक में या फिर दो में कहीं भी रख दीजिए, आपका समीकरण एक या दो में रखेंगे, कहीं भी रखेंगे तो आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो समीकरण एक हमारा है 2x + 3y = 19। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि समीकरण एक में y का मान रखने पर, आप ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। तो चलिए 2x + 3 वाई के जगह पर रखेंगे 5 + 5 = 19। 2x + 15 हो जाएगा बराबर 19 है। तो x का वैल्यू रखने के लिए 2x को अकेला रखेंगे, इक्वल टू 19 - 15 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में 15 है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/2। तो यहाँ पे देखिए, इससे भी प्रतिस्थापन विधि से भी यहाँ पे हमारा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5 निकल के आ गया। विधि कोई भी हो, वो तरीका थोड़ा अलग हो जाता है बनाने का, लेकिन प्रोसेस वही रहता है, आपका x और y का वैल्यू सेम आएगा। तो इसी तरीके से हम x और y का वैल्यू निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि हो या फिर विलोपन विधि हो या फिर वर्गगुणन विधि हो या फिर आपका तुलनात्मक विधि हो। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। अगर आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि समीकरण को हल करना सीखना है तो मैंने उससे भी समझा रखा है, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे आकर के। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।